नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। हमारा चैनल एक नया साप्ताहिक बेरोजगारों के लिए रोजगार सीरीज लेकर आया है जो प्रत्येक सप्ताह आएगा। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह के रोजगारों के बारे में। CBSE ने ग्रुप ABC के लिए 357 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अब बात करते हैं योग्यता की। अलग अलग पदों के लिए भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। नंबर एक है सहायक सचिव ग्रुप ए के लिए। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ अनुभव होना जरूरी है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। नंबर दो है सहायक सचिव IT ग्रुप ए के लिए। इसके लिए IT, SCA, BE, BTEC या फिर MSc के साथ अनुभव होना जरूरी है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। नंबर तीन है विश्लेषक IT ग्रुप ए के लिए। इसके लिए भी IT, MCA, BE, BTEC या फिर MSc के साथ अनुभव होना जरूरी है, पर इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। नंबर चार है जूनियर हिंदी अनुवादक ग्रुप बी के लिए। इसके लिए हिंदी अंग्रेजी में स्नातक या मास्टर और अनुवाद में डिप्लोमा प्रमाण पत्र या फिर अनुभव का होना आवश्यक है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। नंबर पाँच है वरिष्ठ सहायक ग्रुप सी के लिए। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में स्नातक और 40 WPM कंप्यूटर टाइपिंग के साथ कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। नंबर छह है आशुलिपिक ग्रुप सी के लिए। इसके लिए किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ स्टेनोटाइपिंग 10 मिनट में 80 WPM और ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश एवं 65 MTS हिंदी कंप्यूटर पर होना जरूरी है। इस पद के लिए उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष है। नंबर सात है अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए। इसके लिए अकाउंट्स वाणिज्य में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। नंबर आठ है कनिष्ठ सहायक ग्रुप सी के लिए। इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट के साथ अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग 35 WPM या हिंदी में 30 WPM होना चाहिए। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष है। आखिरी है जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी के लिए। इसके लिए एक साल के अनुभव के साथ अकाउंट्स कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री का होना आवश्यक है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष है। SC/ST के लिए उम्र में 5 साल की छूट है। OBC के लिए 3 साल तथा महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। वेतन एवं भत्ते की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए के लिए 15,600 से 39,100, ग्रुप बी के लिए 9,300 से 34,800 एवं ग्रुप सी के लिए 5,200 से 20,200 दे तय किया गया है। SC/ST PwBD एक्स सर्विसमैन महिला नियमित CBSE कर्मचारियों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से ग्रुप ए के पदों के लिए 1500 रुपये, ग्रुप बी एंड सी के लिए 800 रुपये शुल्क चुकाने होंगे। आवेदन तिथि, आवेदन 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 16 दिसंबर है। आवेदक CBSE के आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। इसरो सतीश धवन रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा ने विभिन्न ITI पोस्ट तकनीशियन बी एंड ड्राफ्ट्समैन के लिए 90 पदों पर भर्ती निकाली है। SC/ST PwBD एक्स सर्विसमैन महिलाएं के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा तथा अन्य सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से 100 रुपये का भुगतान करना होगा। तकनीशियन ग्रेड बी के विभिन्न पदों के संबंधित ट्रेड में ITI या NCVT प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10 हाई स्कूल पास होना अनिवार्य होगा, जबकि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल पद के लिए भी संबंधित ट्रेड में ITI या NCVT प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10 हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। आवेदन 9 नवंबर से शुरू हो चुका है जो कि 29 नवंबर तक चलेगा। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 29 नवंबर 2019 तक न्यूनतम उम्र सीमा 18 तथा अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि SC/ST को 5 साल, वहीं OBC को 3 साल जबकि PWD श्रेणी वालों को 10 साल की उम्र में छूट मिलेगी। वहीं अगर हम वेतन एवं भत्ते की बात करें तो 21,700 से 69,100 के बीच में होगी। आवेदन www.shar.gov.in पर या फिर www.apps.shar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं एवं अगर इस आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी लेनी हो तो वो भी आप यहां से ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने राज्य सेवा परीक्षा SSE में 330 और राज्य वन परीक्षा SFE में 6 पदों के लिए भर्ती निकाली है। राज्य सेवा SSE के लिए किसी भी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है, जबकि राज्य वन SFS के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री जरूरी है। साथ ही राज्य वन परीक्षा के लिए शारीरिक योग्यता भी जरूरी है। हाइट 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 150 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर पुरुष और 74 से 79 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। 25 किलोमीटर 4 घंटे में पुरुष को पैदल चलना होगा जबकि महिला को 4 घंटे 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2020 तक कम से कम 21 तथा अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदन 20 नवंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 9 दिसंबर है। आवेदन के लिए लग रहे शुल्क की बात करें तो सिंगल पेपर SSE या SFE
एस के लिए सामान्य और अन्य राज्यों में अभ्यर्थियों को 1500 रुपए एवं दोनों पेपर एसएससी और एसएफएस के लिए सामान्य और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को 2000 रुपए शुल्क चुकाना होगा, जबकि सिंगल पेपर एसएससी और एसएफएस के लिए एमपी रिजर्व श्रेणी के अभ्यर्थियों को 750 रुपए जबकि दोनों पेपर एसएससी और एसएफएस के लिए एमपी रिजर्व श्रेणी के अभ्यर्थियों को 1000 रुपए शुल्क के रूप में एमपी ऑनलाइन क्योसिक या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ही चुकाना होगा। वेतन द्वितीय श्रेणी कार्यपालक को 15600 से 39100 रुपए जबकि तीसरे श्रेणी के कार्यपालक को 9300 से 34800 तक के बीच दी जाएगी। आवेदन कहां करें तो www.mponline.gov.in या www.mppsc.com पर या फिर www.mppsc.nic.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने 4103 पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती के लिए रिक्तियां निकाली है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में आईटीआई, एनसीवीटी प्रमाण पत्र के साथ कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। वहीं अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 8 दिसंबर तक के 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एसटी एससी को 5 तथा ओबीसी को 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट है। आवेदन 9 नवंबर से शुरू हो चुका है जो कि 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी को 100 रुपए चुकाने होंगे जबकि एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप एवं महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं वेतन की अगर हम बात करें तो निर्देशों के आधार पर निर्धारित अवधि के अनुसार निर्धारित दरों पर शिक्षुता के दौरान भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में अभी और अधिक जानकारी नहीं दी गई है। आवेदक www.scr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इस भर्ती के संबंध में और अधिक जानकारी भी वहां से ले सकते हैं। बिहार पुलिस सीएसबीसी केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने 496 परिवहन विभाग के अंतर्गत चलंत दस्ता सिपाही के पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों पर पुरुष एवं महिलाएं दोनों भर्ती करने के लिए योग्य हैं। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी या एचएमवी के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा अभ्यर्थी 1 अगस्त 2019 तक कम से कम 18 तथा अधिकतम 25 वर्ष का ही होना चाहिए। एसटी एससी को 5 साल जबकि ओबीसी को 3 साल की उम्र में छूट है। वहीं आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य ओबीसी और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को 450 रुपए चुकाने होंगे, वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों को 112 रुपए ऑनलाइन माध्यम से चुकाने होंगे। आवेदन 29 अक्टूबर से शुरू हो चुका है जिसकी अंतिम तारीख 29 नवंबर है। वहीं अगर हम वेतन की बात करें तो अनुपरीक्षित वेतनमान 5200 से 20200 जबकि पुनरीक्षित वेतनमान 19900 से 63200 मैट्रिक्स लेवल 2 के तहत दी जाएगी। आवेदन कहां करें तो इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय चयन पार्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही यहां से आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। इंडियन नेवी ने भारतीय नौसेना में INET बैच के लिए 144 विभिन्न अप्रेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया है। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में एसएससी आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर को 6 पदों के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। कार्यकारी शाखा एसएससी आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर के लिए न्यूनतम 60% अंक के साथ कक्षा 10वीं, 12वीं और इंजीनियरिंग डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं इन ब्रांच से उत्तीर्ण उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार, इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण, नियंत्रण इंजीनियरिंग, उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोग, धातुकर्म रसायन, सामग्री विज्ञान, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिक में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं एसएससी एटीसी, एसएससी ऑब्जर्वर, एसएससी पायलट के लिए शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में बीई, बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। एसएससी लॉजिस्टिक्स, एसएससी आईटी, एसएससी जनरल सर्विस हाइड्रो सेंटर के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो एसएससी लॉजिस्टिक्स के लिए किसी भी स्ट्रीम में बीई, बीटेक या एमबीए, एमसीए, एमएससी आईटी या बीएससी, बीकॉम प्रथम श्रेणी के अंकों के साथ वित्त में पीजी डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा।
एसएससी आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस आईटी में फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ बीएससी आईटी एमसीए एमटेक एमएससी आईटी बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं एसएससी जनरल सर्विस हाइड्रो सेंटर के लिए फर्स्ट डिवीजन मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम में बीई बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। टेक्निकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस और एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज के लिए शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विसेज के लिए बीई बीटेक डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार पावर इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% अंकों से पास होना अनिवार्य होगा। वहीं अगर हम एजुकेशनल ब्रांच की बात करें तो इस श्रेणी में एसएससी एजुकेशन के लिए शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। एमएससी में प्रथम श्रेणी मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च के साथ बीएससी या एमएससी की प्रथम श्रेणी बीएससी में मैथ्स के साथ भौतिक परमाणु भौतिक या एमएससी की प्रथम श्रेणी मौसम विज्ञान महासागर विज्ञान वायुमंडलीय विज्ञान या बीई बीटेक डिग्री 60% कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होना अनिवार्य होगा। अगर इन पदों पर आवेदन भरने के लिए शर्त की बात करें तो एसएससी आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर एसएससी एटीसी एसएससी ऑब्जर्वर एसएससी लॉजिस्टिक्स पद के लिए महिलाएं और पुरुष कोई भी आवेदन भर सकते हैं, मगर एसएससी पायलट एसएससी आईटी एसएससी जनरल सर्विस हाइड्रो सेंटर एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस और एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज एसएससी एजुकेशन के लिए केवल पुरुष ही आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे। उम्र सीमा वहीं एसएससी आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर एसएससी लॉजिस्टिक्स एसएससी आईटी एसएससी जनरल सर्विस हाइड्रो सेंटर पद एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस और एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज के लिए उम्र सीमा 2/1/1996 से 1/7/2001 के बीच जन्मे लोग इन पदों पर आवेदन भर सकते हैं। वहीं एसएससी एटीसी और एसएससी एजुकेशन के लिए 2/1/1996 से 1/1/2000 के बीच जन्मे लोग इन पदों पर आवेदन भरने के लिए योग्य होंगे। एसएससी ऑब्जर्वर एसएससी पायलट एमआर पद के लिए 2/1/1997 से 1/1/2002 के बीच जन्मे लोग इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। आवेदन शुल्क इन पदों पर आवेदन शुल्क भरने के लिए उम्मीदवार को इन आवेदन शुल्कों का भुगतान करना अनिवार्य होगा। जनरल ओबीसी को ₹215 देने होंगे, वही एससी एसटी पीएस श्रेणी के लोगों को भी ₹215 का ही भुगतान करना होगा। इसका भुगतान क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। वहीं हम आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन 29 नवंबर से शुरू होगी जो कि 19 दिसंबर तक जाएगी। वहीं यह परीक्षा फरवरी 2020 में ली जाएगी। आवेदन कहां करें तो इच्छुक उम्मीदवार www.joinindiannavy.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही और अधिक जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो। अपने सुझाव कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।